An Academy. Let's crack it. Hello students, I am Pankaj Talwar, Director, Achiever, Keri Institute, Kota. बच्चों मैं लास्ट 25 इयर्स से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं पहले 10 ईयर एलन कोटा पर था, आफ्टर एट 12 ईयर करियर पॉइंट कोटा। लास्ट 2 ईयर से मैं अन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक अनटोल्ड स्टोरी विद माय स्टूडेंट विपिन गर्ग। अनसुनी कहानी है बच्चों विपिन गर्ग के साथ। विपिन गर्ग मेरा स्टूडेंट, बच्चों आज से लगभग 15 साल पहले उसने 11th 12th मेरे साथ नीट की AIPMT की तैयारी करी। बच्चों इसकी स्टोरी अपने आप में बहुत ही इंस्पिरेशन है, तो मैं 2 मिनट आप लोगों को इसकी स्टोरी सुनाऊंगा। इसके पॉइंट्स को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, और इसी टाइप की अगर आप मेहनत, इसी टाइप का डिटर्मिनेशन अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी सक्सेस गेन करेंगे। तो विपिन गर्ग ने बच्चों आज से लगभग 15 साल पहले मेरे साथ 11th 12th की तैयारी बच्चों मेरे से करी, और उसने 12th के साथ नीट को बहुत ही अच्छी रैंक से क्रैक किया और एम्स के अंदर भी उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन अंडर एज की वजह से वो बच्चों कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर उसने एक साल ड्रॉप लेने के लिए मन बनाया और ड्रॉप लेकर उसने मेरे से भी बात की और कहा, सर मैं IIT की तैयारी करना चाहता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरी 11th 12th में बायो के साथ पढ़कर बहुत अच्छी हो गई है, अब मैं मैथ्स की ट्यूशन कर मैं IIT कवरअप करना चाहता हूँ। तो उसने बच्चों नेक्स्ट ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री तो जो हमने 11th 12th में उसको पढ़ाई थी उसके साथ बहुत अच्छे से कवरअप करी और मैथ्स की ट्यूशन करते हुए IIT को भी क्वालिफाइड किया, और बच्चों मैथ्स और बायो दोनों होने की वजह से उसने अगेन एम्स को भी बहुत अच्छी रैंक से एम्स दिल्ली कैप्चर्ड किया। IIT के अंदर उसको बच्चों जहां तक मेरे को याद आ रहा है लगभग 1600 रैंक उसने कैप्चर्ड करी थी, और एम्स दिल्ली के अंदर भी उसका एडमिशन पक्का था। जैसे बच्चों उसकी माँ का भी सपना था कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखूं, तो उसने अपनी माँ की बात का सम्मान रखा और एम्स के अंदर एडमिशन ले लिया। एम्स के अंदर भी बच्चों टॉप रैंक पर रहते हुए उसने हमेशा पढ़ाई की, और फाइनल ईयर आते आते उसका मन हो गया कि मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है। तो फिर क्या था बच्चों, पढ़ाई में एक होशियार बच्चा और पूरा अच्छे से मेहनत करने वाला डिटर्मिनेशन के साथ स्टूडेंट विपिन गर्ग, उसने फाइनल ईयर के साथ IAS की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो बच्चों फाइनल ईयर के अंदर IAS का एग्जाम दिया और उसके अंदर वो रिटर्न में क्वालिफाइड हो गया, लेकिन इंटरव्यू के अंदर वो रह गया। तो उसने अगेन बच्चों अपनी एम्स के साथ इंटर्नशिप को फॉलो करते हुए अगेन नेक्स्ट ईयर वापस से IAS के लिए बच्चों प्रिपरेशन करी। IAS की प्रिपरेशन के अंदर अगेन वो बच्चों रिटर्न में क्वालिफाइड हो गया, लेकिन अगेन इंटरव्यू के अंदर वो रह गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और बच्चों अपने जोश को बनाकर रखा और बहुत अच्छे से अगेन एक साल और तैयारी करने का मन बनाया। अगले साल पूरी दम लगाकर उसने अपने वीक पॉइंट मतलब अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, रिटर्न भी बहुत अच्छी नंबर से क्वालिफाइड किया, और इंटरव्यू के अंदर बच्चों उसने फर्स्ट रैंक कैप्चर करी। मतलब जो उसका 2 साल से वीक पॉइंट बन रहा था वो बच्चों उसका एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट उसने बना लिया और फर्स्ट रैंक से कैप्चर्ड करी। ऑल इंडिया लेवल पर उसने 17th रैंक IAS के अंदर क्वालिफाइड की, और फिर मुझे मौका मिला उसको कोटा बुलाने का। एक सेमिनार के अंदर उसको मैंने बुलाया और बच्चों उस सेमिनार के अंदर उसने सारे मेरे AIPMT बच्चों को एड्रेस किया। स्टेज पर गया तो उसने इशारा कर कहा कि सर देखिए, क्लास के अंदर आप हमें मोटिवेट करते थे, आज मैं आपकी तरह ही सारे बच्चों को एड्रेस कर मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसका वो इशारा आते ही बच्चों मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों मेरे लिए वो बहुत ही गर्व का पल था जब मेरा एक स्टूडेंट मेरे ही सामने मेरी ही ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं मेरे को कितना प्राउड फील हुआ होगा। तो बच्चों मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी चीज के पीछे पड़ जाएं तो कामयाबी आपको जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं रुक जाए। तो बच्चों यहां पर तो मैं वही 2 लाइनें कहना चाहूंगा, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी धूम मचा दे। अच्छे से मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।